हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको आइकन ऐप के बारे में बताऊंगा कि आइकन ऐप क्या है और ये काम क्या करती है। दोस्तों ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। तो दोस्तों आपने क्या करना है कि यार वीडियो एंड तक देखनी है ताकि इस ऐप के बारे में आपको मैं फुल डिटेल से समझा सकूँ। क्योंकि दोस्तों अगर आप एंड तक नहीं देखोगे तो यार आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार आप सबसे मेरी हर वीडियो में एक रिक्वेस्ट होती है कि यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यार हमें सपोर्ट करें। और दोस्तों आप सबके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ तो यार आप सबका एक सब्सक्राइब तो मेरे लिए बनता है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज़बरदस्त काम इसका आपको मैं बताता हूँ क्या है कि दोस्तों अगर अभी हमें कोई भी कॉल करता है या हमें मिस कॉल देता है जो नंबर हमारे मोबाइल के अंदर सेव नहीं होता है तो दोस्तों उसका क्या होता है कि यार हमें जो नाम पता नहीं चलता है कि यार वो कौन कौन बंदा, नाम लिखा हुआ तो आता नहीं है, सिर्फ नंबर ही लिखा हुआ आता है कि यार इस नंबर से सिर्फ मिस कॉल आई है। तो दोस्तों अब इस ऐप डालने से आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपको कोई मिस कॉल देता है या आपको कोई कॉल देता है तो उसका नाम आपको लिखा हुआ आएगा। अगर उसने पिक्चर लगाई हुई अपने कॉन्टैक्ट के ऊपर तो उसकी पिक्चर भी आपको शो होगी, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों उसके अलावा आपको बता दूं, यहाँ आप देख सकते हो कि यार फेसबुक का और व्हाट्सएप का जो ना वो अकाउंट भी शो हो रहा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो। तो दोस्तों इससे आपको जो ना आप जो ना उसका फेसबुक का अकाउंट भी डायरेक्ट खोल सकते हो और व्हाट्सएप पे डायरेक्ट जाके उससे आप बात भी कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आप यहाँ 3 लाइन देख सकते हो, इसके अलावा और भी इधर ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अब आपको मैं इसका अकाउंट बताना भी अकाउंट क्रिएट करना भी बताऊंगा कि आपने कैसे इसका अकाउंट जो है ना बनाना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ सबसे पहले प्ले स्टोर पे चला जाता हूँ, ठीक है, और इसकी ऐप को इंस्टॉल कर देता हूँ और इसका अकाउंट आपको क्रिएट करना बता देता हूँ कि यार आपने इसका अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, इसका अकाउंट कैसे बनाना है। तो दोस्तों बिल्कुल ही आसान सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो दोस्तों मैं यहाँ प्ले स्टोर पर चला जाता हूँ। दोस्तों यहाँ मैं प्ले स्टोर पर आ चुका हूँ। अब आपने यहाँ लिखना है आइकन ऐप, ठीक है, यहाँ मैंने आइकन ऐप लिख दिया और इसको मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही सर्च करूंगा तो अब आप जो है ना यहाँ देख सकते हो कि ये जो है ना फ्रंट पे ही आ चुकी है, ठीक है, ओनिक के नीचे ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये आ गई है। तो ये ऐप आ चुकी है, ठीक है। तो इस ऐप को आपने इंस्टॉल करना और मैंने इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। और अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और दोस्तों आपको बता दूँ इसको जो है ना 50 बिलियन लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है, इसकी रेटिंग जो है ना 3.0 3.+ है, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दूँ कि ये जो ऐप है बिल्कुल जो है ना रियल ऐप है, ठीक है, इसमें कोई आपको रिस्क नहीं है आपके डेटा को, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं जो ना इसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यार थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये ऐप ओपन होगी, अब आप यहाँ देख सकते हो कि गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है। मैं आपको लाइन बना के दिखा देता हूँ। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है अकाउंट क्रिएट करने के लिए, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इसको जो ना आपने जो ना अलाउ एक्सेस टू आपने यहाँ कंटिन्यू करना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो फ़ोन परमिशन लिखा हुआ है, इसको आपने अलाउ करना है। उसके बाद ये नीचे वाले को भी आपने अलाउ करना है। तो मैं पहले इस एक को ऊपर वाले को ओपन कर लेता हूँ मैं। तो दोस्तों जैसे देख सकते हो आपके मैंने इनेबल किया उस बटन को, तो अब ये अलाउ मांग रहा था, उसको मैं अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। और फिर इसको दोबारा अलाउ कर देता हूँ, फिर इसको दोबारा अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। अब ये एक ओपन हो चुका है, ठीक है, अब नीचे वाले को भी आपने ओपन करना है, ठीक है। तो दोस्तों नीचे वाले को ओपन करने के बाद आपने जो ना ये आइकन लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने जो ना क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया और यहाँ आपने सेट इस डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है, ठीक है आपने। तो ये भी ओपन हो चुका है, ठीक है। अब आपने जो ना नीचे वाले को भी ओपन करना है। तो नीचे वाले को ओपन करने के बाद आपने जो ना यहाँ इसको आइकन ऐप पे लगाना है, ठीक है। तो मैं आइकन ऐप पे इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ, और यहाँ सेट एज डिफ़ॉल्ट पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो ये हो चुका है, अब जो ना आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपने जो ना यहाँ फिर अपना नंबर डालना है, ठीक है। तो दोस्तों फिर आपने यहाँ अपना नंबर डालना है, ठीक है, और नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, ठीक है। उस वेरिफिकेशन कोड के बाद जो ना ये आपका अकाउंट कंप्लीट बन जाएगा, ठीक है। और आपको ऊपर बता दूं कि आप यहाँ देख सकते हो पाकिस्तान सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। अगर आपकी कोई और कंट्री है तो आपने यहाँ आके क्लिक करके आपने जो ना यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, जो भी आपकी कंट्री हो, ठीक है, आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ जो ना ये
पाकिस्तान पे सेलेक्ट हो गया, बस अपना नंबर डालता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैंने अपना नंबर डाल दिया और अब कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों ये कंफर्म योर नंबर मांग रहा है, तो इसको मैं दोबारा कंटिन्यू कर देता हूँ। तो दोस्तों आपको बता दूँ, यहाँ जो है ना मेरे पास कोई जो है ना मैसेज नहीं आया मेरे पास, ठीक है। मेरे पास एक कॉल आई है, ठीक है। जो ना कॉल जो आई है मेरे पास, उसको मैंने बस जैसे ही वो कॉल आई तो मेरा जो कोड है वो ऑटोमेटिकली ऑटो फेच हो गया, ठीक है। दोस्तों अभी यहाँ नंबर शो नहीं कर रहा मैं आपको, वरना बता देता नंबर, ठीक है। तो दोस्तों अब आपने क्या करना है, यहाँ सिर्फ अपना नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है, मोहम्मद जलालुद्दीन मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप पिक्चर लगाना चाहें तो यहाँ आप प्रोफाइल का ऑप्शन देख सकते हो, या क्लिक करके आप जो ना गैलरी से डायरेक्ट पिक्चर लगा सकते हो। और उसके बाद यहाँ आप जो ना दिस इस मीठी, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना, ठीक है। प्रोसेस कम्प्लीट हो चुका है, अकाउंट मेरा जो ना कम्प्लीटली तौर पर बन चुका है, ठीक है। अब आपको बता दूँ ये सर्च हिस्ट्री है, ठीक है, ये सर्च हिस्ट्री है, ठीक है। इसमें आपको जो ना कोई भी कॉल करेगा, ठीक है, यहाँ मिस कॉल में चले जाता हूँ मैं, तो यहाँ आपको बता दूं कि यार ये जो ना मैं मिस कॉल में आ चुका हूँ, ठीक है। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि यार मेरे एक दोस्त ने मुझे मिस कॉल की थी, लेकिन ये नंबर मेरे पास सेव है, ठीक है। उसके अलावा आपको ये कंपनी का नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। इस पर आप यहाँ निशान भी देख सकते हो कि प्लस का निशान है, नंबर मेरे पास सेव नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अभी आपको बता दूँ कि यार जो कंपनी का नंबर है, तो ये कंपनी का नंबर है, इसलिए मेरे पास जो ना इसके ऊपर नाम लिखा हुआ नहीं आया है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको कोई मिस कॉल करेगा, आपने यहाँ मिस कॉल में आना है, उसका जो नाम है वो ऑटोमेटिकली आपको लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे हमारे पास जो ना नॉर्मल फ़ोन डायलर है, तो उसके ऊपर सिर्फ हमें नंबर लिखा हुआ आता है, नाम नहीं लिखा हुआ था। तो यहाँ पर आपको नाम भी लिखा हुआ है, अगर आपको आपको यहाँ पिक्चर भी शो होगी, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस ऐप का एक ज़बरदस्त फ़ायदा ये है, ठीक है, एक बेनिफिट ज़बरदस्त ये है, ठीक है, इसके इसके ऊपर आपका नाम भी दिख जाएगा और पिक्चर भी दिख जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे दोस्तों, तो मैं उम्र के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैंने ये उम्र के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। और उसके अलावा आप यहाँ अभी देख सकते हो कि यार फेसबुक का और जो ना व्हाट्सअप का भी आइकन बना हुआ आ रहा है, लेकिन जो फेसबुक का आइकन है वो आपको बता दूँ भी ब्लू नहीं है। इसका मतलब है कि यार इसका जो अकाउंट है वो फेसबुक पर नहीं है, ठीक है। अगर होगा तो आपको डायरेक्ट ब्लू का ऑप्शन देगा, और जैसे ही ब्लू पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट उसके फेसबुक के अकाउंट पर आप चले जाओगे, ठीक है दोस्तों। और अब आपको मैं यहाँ जो ना दिखा देता हूँ, ठीक है, थ्री लाइन्स के ऊपर क्लिक करके। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो थ्री लाइन्स पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके अलावा अगर इसका इसका जो व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप पे आप अभी जो ना इसके ऊपर इसके साथ डायरेक्ट चैट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं जो उम्र है इसके साथ मैं जो ना डायरेक्ट व्हाट्सअप पे चैट कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा इसके यहाँ जो ना मैसेंजर भी नहीं है, ठीक है। अगर मैसेंजर होता तो मैं मैसेंजर पर भी उससे बात करता, ठीक है, लेकिन मैसेंजर नहीं है, ठीक है। जब आप इस थ्री लाइन्स पर क्लिक करोगे आपको सारी चीज़ें शो हो जाएगी जो जो वो यूज़ कर रहा है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अभी एक ज़बरदस्त चीज़ आपको और बताऊँगा, जिसको देखकर आप हैरान हो जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं मिस कॉल से बाहर आ जाता हूँ और कॉन्टैक्ट में आ जाता हूँ, ठीक है। कॉन्टैक्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट के ऊपर आप यहाँ देख सकते हो कि यार मेरे पास जो है तकरीबन जो ना मेरे दोस्तों की जो है तस्वीरें शो हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो ना इन लोगों ने जो ना अपने जो ना उसके ऊपर लगाई हुई है, ठीक है, अपने कॉन्टैक्ट के ऊपर इन लोगों ने जो ना तस्वीर लगाई हुई है, ठीक है। अगर उसने अपने कॉन्टैक्ट पर नहीं भी लगाई है, अगर उसका फेसबुक का अकाउंट है, तो उसकी फेसबुक की अकाउंट की जो पिक्चर है वो भी आपको जो ना यहाँ ये शो कर देगा इसके आपके कॉन्टैक्ट इसके कॉन्टैक्ट के ऊपर जो आपने सेव किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं जो ना इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और जो आपको जो मैं फेसबुक का बता रहा था वो आइकन आपको मैं क्लिक दिखा देता हूँ कि यार किस तरह का आइकन आपके पास आएगा जब उसका फेसबुक का अकाउंट होगा। तो दोस्तों अब आप यहाँ देख सकते हो कि जो फेसबुक का आइकन है ये ब्लू हो चुका है। अच्छा, अगर आपने पहले देखा था जो मैंने आपको दूसरा उम्र का कॉन्टैक्ट दिखाया था, उसके अंदर जो है ना ये जो फेसबुक का जो आइकन है ये ब्लू नहीं था, ये वाइट था, ठीक है। अब जो है ना इसका मतलब ये है कि जो जो मेरा दोस्त है एहसान, इसका जो है ना फेसबुक का अकाउंट बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसका जो फेसबुक का अकाउंट है वो बना हुआ है। जैसे ही अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा फेसबुक के ऊपर, डायरेक्ट इसकी फेसबुक की आईडी खुल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी मेरे पास फिलहाल फेसबुक इंस्टॉल नहीं है, वरना मैं जो ना डायरेक्ट फेसबुक की आईडी खोल देता। तो दोस्तों अब आखिरी चीज रह गई आपको बताना, जो बहुत जबरदस्त है वो आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। बस आपको वीडियो मैंने काफी लंबी कर दी है, बस आखिरी चीज आपको बता के वीडियो क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आखिरी चीज़ है लॉकअप, आप यहाँ नीचे देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको निशान बना के दिखा देता हूँ, ये लॉकअप एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ पहले।
तो दोस्तों मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ जो है ना, आपके मोबाइल में कोई नंबर सेव नहीं है, ठीक है, और जिसको आप जानते भी नहीं हो, ठीक है। अगर किसी का भी आप अभी ऐसे ही तुक्के में कोई भी नंबर अगर आप यहाँ डाल दोगे ना दोस्तों, कोई भी नंबर आप यहाँ डाल दोगे तो दोस्तों उसका जो है ना आपको जो है ना ये नाम शो कर देगा, ठीक है, कि भाई इस बंदे का नाम क्या है, ठीक है। एक नंबर मैं डाल रहा हूँ जो नंबर मेरे पास सेव नहीं था, ठीक है, और मैं ऐसी चेक करने के लिए आपको दिखा देता हूँ कि उसका नाम ये बता देगा, ठीक है। मैं अपनी तरफ से एक नंबर डाल देता हूँ दोस्तों। इधर नंबर डालने से मैंने आपको ये समझा रहा हूँ कि दोस्तों अगर आप किसी को जानते भी नहीं हो, ठीक है, कि यार अगर आप किसी आपके पास किसी का नंबर है कि यार अगर आप जानते भी नहीं हो किसी के किसी भी बंदे को जानते नहीं हो, तो उसका नंबर आप यहाँ डालोगे ना तो उसका नाम आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ नंबर डाल के। तो दोस्तों मैंने यहाँ नंबर डाल दिया और अब मैं जो ना सर्च पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ मैंने नंबर डाल दिया है, नंबर मेरे पास सेव भी नहीं है। आप यहाँ देख सकते हो ऐड कॉन्टेक्ट का भी मुझे बता रहा है कि अगर आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड भी कर लो। तो दोस्तों मैं ऐड नहीं करना चाहता हूँ। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि यार इस बंदे का नाम क्या लिखा हुआ है, यूनियन प्लाजा कंप्यूटर सलमान, ठीक है। तो ये दोस्तों ये नंबर मुझे पता नहीं था, ये मैंने जो ना ऐसी डाला। मैं ना चेक करता हूँ कि यार आप जो ना इस बंदे का नाम आता है कि नहीं है, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो कि यार इसके ऊपर जो ना नाम आ चुका है, ठीक है, नंबर अवेलेबल है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आप किसी का भी नाम चेक करना चाहते हो, ठीक है, कि यार अगर आपको कोई भी आपके कॉन्टेक्ट ऐसा है जिसका नाम आपको पता नहीं है, अगर आप उसका नाम भी चेक करना चाहते हो तो यहाँ से आप नंबर डाल के नाम चेक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में यार सिर्फ आपको मैंने आइकन ऐप के बारे में बताना था कि यार ये काम कैसे करती है, ठीक है, और ये क्या है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी कर दी है दोस्तों, नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा तो यार वीडियो काफ़ी लंबी ना करूं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों डिटेल समझाते समझाते टाइम लग जाता है काफ़ी। तो दोस्तों यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना था दोस्तों। अगर फिर भी कुछ समझना है, फिर भी कुछ प्रॉब्लम आए आपको, मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यार आपसे रिक्वेस्ट है कि यार आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके बाय।